नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर, जमशेदपुर से एक बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एमजीएम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला का नहीं हो पाया है प्रसव, ये बड़ी खबर है। तड़प तड़प कर महिला ने जान दे दी, मौत हो गई उस महिला की, ये बड़ी खबर है। परिजनों का हंगामा इसके बाद, और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, ये बड़ी खबर। कोरोना पॉजिटिव एक महिला थी और उसका इलाज नहीं हुआ, प्रसव पीड़ा से वो करा रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसका प्रसव नहीं कराया और आखिर में उस महिला ने दम तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, कोरोना अपनी जगह है, लेकिन इलाज, और वो भी इमरजेंसी में, इसको लेकर किसी तरह की मनाही तो नहीं है। तड़प तड़प कर महिला ने जान दे दी है, एमजीएम से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, इस बात को लेकर लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं और परिजनों का साफ कहना है कि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है, डॉक्टरों ने इस महिला का प्रसव ही नहीं कराया और इसी वजह से महिला की मौत हुई है। अब प्रसव हो नहीं पाया या प्रसव कराया नहीं गया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन वजह चाहे जो रही हो, प्रसव महिला का नहीं हुआ और महिला ने दम तोड़ दिया है। और इसी के बाद से परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। जमशेदपुर जगह की कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में यह घटना घटी है। तो चलिए एक बार हम फिर से आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यहां पर जमशेदपुर से बड़ी खबर है ये, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। वो गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा के बाद परिजन उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वहां पर कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से उसके इलाज के प्रति डॉक्टर ने उदासीनता दिखाई और इसी में उसका प्रसव नहीं हो पाया है और प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर महिला ने जान दे दी है। महिला की मौत हो चुकी है, ये बड़ी खबर है। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही पता चला कि वो जिस मरीज को, यानी कि जिस महिला को लेकर आए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, प्रसव नहीं कराया गया। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष का। पीयूष, खबर क्या है, क्या प्रसव नहीं कराया गया या प्रसव हो नहीं पाया, क्या हुआ अस्पताल में एग्जैक्टली, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए पंकज, सुबह 8 बजे जो है इस महिला को जब प्रसव पीड़ा जब उसे हुआ तो उसके बाद घर से जो है सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल ने साफ तौर पे यह कह दिया कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इसे ऑपरेट करना होगा। तो उस महिला को जो है सदर अस्पताल से एमजीएम लाया गया, जिसके बाद इसकी कोरोना जांच की गई। कोरोना जांच के बाद जो है परिजनों को भी यह जानकारी नहीं दी गई कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो परिजन भी अनभिज्ञ थे कि कोरोना पॉजिटिव के कारण जो है डॉक्टर छूने रहे। तो उनका, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि अगर कोरोना पॉजिटिव थी महिला तो इस बात की जानकारी परिजनों को भी दी जानी थी, क्योंकि 1 बजे करीब इस महिला की मौत हुई है और 1 घंटे तक प्रसव पीड़ा से ये तड़पती रही लेबर रूम में। जो वहां के नर्सों ने हमें जानकारी दी है कि 1 घंटे तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसे छूने से इनकार साफ तौर पर डॉक्टरों ने कर दिया था क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है जब प्रशासन और साथ ही साथ डॉक्टर की, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो इसका कोई ना कोई तो इलाज होता है। इसका प्रसव जो पीड़ा हो रही थी, प्रसव तो किया जा सकता था। दरअसल ये कई सारी बातें हैं, कई सारी जांच की जरूरत है। के तौर पर ओपीडी सेवाओं को चला माना कि बंद रखा गया, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं तो चल रही है। तो आखिर ऐसे में जब प्रसव पीड़ा से कराती कोई महिला पहुंचती है तो उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता है वहां पर। जिस समय हम एमजीएम पहुंचे थे, वहां के जो अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना था कि आखिरकार कहां पे लापरवाही हुई है, कहां पे चूक हुई है, इसकी जांच वो करेंगे और इसमें जो भी लापरवाह व्यक्ति पाया जाएगा, या डॉक्टर हो या नर्स हो, उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि परिजन जो है वहां पे हंगामा कर रहे थे और जो वहां के अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना था कि कल सुबह 10 बजे परिजन भी एमजीएम पहुंचे और जो डॉक्टर उस समय मौजूद थे वो भी एमजीएम पहुंचे और दोनों के बीच में साथ बैठा के ये जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि आखिरकार लापरवाही किसके तरफ से है और गलती किसकी है। जी पंकज,
अच्छा पीयूष, ये भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि सदर अस्पताल जब महिला को भर्ती कराया गया था पहले, जो खासवाल स्थित है, वहाँ क्या ज्यादा तबियत खराब हो चुकी थी उसके बाद रेफर किया गया है, या फिर वहाँ पे मना कर दिया गया था कि हम इसे देखेंगे ही नहीं? देखिए, प्रसव को लेकर जो दर्द उस महिला को हो रही थी तो वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसके जिसके बाद सदर अस्पताल से MGM रेफर किया गया था। वहां के डॉक्टर जो है साफा इनकार कर चुके थे कि प्रसव यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे अब ऑपरेट किया जा रहा है, अब ऑपरेशन होगा तभी इसका प्रसव हो पाएगा। लेकिन ऑपरेशन से पहले कोरोना जांच भी होनी बहुत जरूरी होती है, तो वही जांच सदर अस्पताल में तो जांच नहीं हो पाया क्योंकि वहां ऑपरेशन नहीं हो पाया था, इसलिए MGM में जांच हुआ। जी पंकज, तो पीयूष क्या भर्ती ले लिया गया था उसके बाद ये लापरवाही सामने आई है कि भर्ती लिया ही नहीं जा रहा था इस महिला मरीज को उस वक्त? नहीं, महिला को भर्ती ले लिया गया था सुबह जब 8 बजे वहां से वो चली थी सदर अस्पताल से, और MGM जब पहुंची उसके बाद उसे भर्ती ले लिया गया, लेबर रूम में उसे सुलाया गया। लेबर रूम में सुलाने के बाद कोरोना जांच किया गया जिसमें वो पॉजिटिव आई, और परिजनों को इस बात की जानकारी जो है 6 से 7 घंटे के अंतराल में भी नहीं दी गई थी। यही चीज, इसी बात को लेकर आक्रोशित परिजन है कि आखिरकार वो पॉजिटिव थी तो इस बात की जानकारी कम से कम जो उसके परिजन है उसको दे दी जाती, तो इस बात की जानकारी ना परिजन को दी गई थी, ठीक है, और ना ही वहां पे जो अटेंडर है उसे दी गई थी, तो इसी चीज को लेकर काफी आक्रोशित है कि कोरोना पॉजिटिव थी तो इस बात की जानकारी उन्हें दे दी जानी चाहिए थी। जी हां पंकज, तो पीयूष कोरोना पॉजिटिव थी और प्रसव पीड़ा भी उसके उसे था, तो इस दौरान डॉक्टर MGM की क्या कह रहे हैं कि जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई, कोरोना की वजह से हुई है या फिर प्रसव की पीड़ा की वजह से उसकी मौत हुई है, आने में परिजनों ने देर कर दी, क्या कह रहे हैं? अधीक्षक और डॉक्टर का वहां पे साफ तौर पे कहना था कि कोरोना, जिस समय कोरोना पाया गया उस समय अगर परिजनों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं और बेहतर इलाज के लिए वो ले जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि ये कोरोना के वजह से इनकी मौत नहीं हुई है। वो जो है 1 घंटे तक वो जिस तरह से पीड़ा से दर्द से तड़पती रही, जो परिजन वहां पे कह रहे थे कि 1 घंटे तक लगातार वो डॉक्टर से विनती करती रही उनके परिजन, क्योंकि परिजन जो है काफी गरीब है और उनके पति जो है ड्राइवर है, तो वो कहीं और तो इलाज करा नहीं पाएंगे, लेकिन वहां पे वो 1 घंटे तक उसे तड़पते हुए महिला को देखे, उसके जो वहां पे परिजन थे वो लगातार 1 घंटे तक तड़पते हुए देखे थे, और उनका वो जो है डॉक्टर से बार बार विनती भी कर रही थी कि उनका जो प्रसव है करा दिया जाए या ऑपरेट कर दिया जाए, तो उसी लापरवाही के कारण इसकी मौत हुई है। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी, तो निश्चित तौर पर कम से कम अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में, इतने बड़े सरकारी अस्पताल में, कोरोना के इतने बड़े अस्पताल से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि अगर कोई कोरोना पीड़ित है आपातकालीन सेवा के लिए वहां पर भर्ती हुआ है तो उसके इलाज ना हो। ठीक है कि महिला कोरोना पीड़ित रही होगी ये बात भी मान लिया जाता है, लेकिन क्या कोरोना पीड़ित महिला का प्रसव नहीं कराया जा सकता था? क्या उसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता था जो प्रसव के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रसव पीड़ा के दर्द को शायद उस पीड़ा को झेल नहीं पा रही थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो महिला, तो ऐसे में ऑपरेशन हो सकता था, ऑपरेशन किया जाना चाहिए था। हालांकि असल बात क्या है और असली वजह क्या रही इस मौत की, फिलहाल इसको लेकर अभी जांच होना थोड़ा बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी कुछ न कुछ सफाई जरूर दी जाएगी, लेकिन और इसकी बहुत जांच होनी चाहिए कायदे से कि क्या अगर कोरोना पॉजिटिव थी तो क्या उस महिला का ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ये जांच की बात है। और निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर अस्पताल को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई गाइडलाइन मिला हुआ है कि आपातकालीन सेवा को नहीं चलाना है, ओपीडी सेवाओं को चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि एहतियात के तौर पर, ताकि डॉक्टर्स के जरिए या मरीज के जरिए डॉक्टर तक या डॉक्टर के जरिए मरीज तक संक्रमण ना फैले, तो ओपीडी सेवाओं को फिलहाल बंद रखा गया है या सीमित रखा गया है। देखिए दीदी, उसका दिक्कत हो रहा, लेकिन कोई नहीं झकने किया हुआ, सिर्फ बोलता हाँ नर्स आएगा तभी होगा, अभी नहीं डॉक्टर आएगा तभी होगा। हम लोग लाए थे ये करने के लिए तो बोला कि ऑपरेशन से होगा, तो हम लोग बोले ठीक है, तो उन लोगों को बोलना चाहिए तो बोलता, बाद में बोला खून लाइए, तो खून लाने में भी थोड़ा लेट, तो उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं जरूरी चाहिए खून, तो हम लोग किसी को भी बुला के दे देते, उन लोग चुपचाप है, तो हम लोग सोचे कि ठीक है अभी।
हैं, जो फ्रंटलाइन हमारे हेल्थ वर्कर हैं, वो ही इस कोरोना काल में हम तमाम लोगों को बचा रहे हैं। इसलिए सीधा सीधा आरोप लगाना भी जरा मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष को जान लेना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये तो आरोप है महिला के परिजनों का, मृतक के परिजनों का, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या स्थिति रही होगी उस वक्त महिला की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।